हेलो एंड वेलकम बैक टू फूड फिलिक। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी और इंस्टेंट डोसा की रेसिपी। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप चावल का आटा, उसी हिसाब से आधा कप रवा या सूजी और 1/4 कप हमें चाहिए होगा मैदा। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जितना काले मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाहिए होगा हमें जीरा, 1 से 2 हरी मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से, और हमें चाहिए होगा बारीक कटा हुआ हरी धनिया। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। ये करेंगे अच्छे से मिक्स। जो रेशो है वो बहुत सिंपल है, जितना आप चावल का आटा लेंगे उसका आधा आपको सूजी लेना होगा और रवा के हिसाब से आधा हमें मैदा लेना होगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और पानी। यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत पतली चाहिए हमें। लगभग मैंने डाला है 1 लीटर जितना पानी। फिर हम इसमें डाल देंगे नमक और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इस तरीके का पतला बैटर चाहिए। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इनके डोसे बना लेंगे। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। सबसे पहले हाई फ्लेम पे हमें तवे को गर्म करना है और इस पे डालना है थोड़ा सा ऑयल। इस ऑयल को हमें टिश्यू या नैपकिन की मदद से वाइप कर देना है। फिर जैसे तवा गर्म हो जाए हम इस पे डालेंगे पानी के छींटे, इसे भी पोंछ देंगे। और अब फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे और जो बैटर है उसे स्प्रेड करना शुरू कर देंगे तवे पे। इस तरीके से आप स्पून की मदद से सारी तरफ जो बैटर है उसे गिरा लें। और फिर गिराने के बाद हम तवे को हल्का सा इस तरीके से घुमा देंगे ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से क्रिस्प होने देंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल यहाँ पे साइड से ड्रिजल कर दे रही हूँ। अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। और यहाँ पे हमारा जो डोसा है वो क्रिस्प होना शुरू हो गया है। इसमें बहुत ही थोड़े से तेल की जरूरत होगी, आप ज्यादा ऑयल ना लगाएं। लगभग 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो डोसा के साइड्स हैं वो तवा छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे हमारा डोसा बिल्कुल तैयार है। इसे आराम से हमें लिफ्ट करना है। ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसी तरीके से हम बाकी डोसा तैयार कर लेंगे। सिर्फ पानी के छींटे हमें मारना है हाई फ्लेम पे करके, और इसे हमें टिश्यू की मदद से वापस वाइप करना है। इस बार हमने ऑयल नहीं लगाया है तवे पे, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत है। अब हम इस पे डाल देंगे बैटर। बस ध्यान रहे हर बार आपको बैटर अच्छी तरीके से मिला के तब तवे पे डालना है। थोड़ा सा ऑयल, और हमारा दूसरा डोसा भी तैयार है। यहाँ पे हमारा बस 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाने वाला क्रिस्पी डोसा तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।